prayer after the Lord's Supper. ताकि आपकी भरपूर तारीफ में वेलकम करते हैं आज के आवाज मालिक साहब को तो प्लीज कम मैं अपनी गुफ्तगू को तीन हिस्सों में तकसीम करता हूं। सबसे पहले तो जो पहला सेशन हमने और इवेंट किया था उसमें ओवरऑल प्रोजेक्ट की तरफ से मैंने एक कमिटमेंट आप लोगों को की थी कि 2022 और 2023 इंशाल्लाह मेरे रब करम करीम के तवस्सुत से हमारी डेवलपमेंट का और डिलीवरेंस का साल होगा। और आपने देख लिया कि उस इवेंट के बाद ये हमारी फर्स्ट गेट टुगेदर है और फेस टू फेस और हमने बहुत सी चीज़ें जो हैं चंद माह में चंद वीक्स में अचीव की हैं। मैं डेवलपमेंट के ऊपर क्योंकि अलहक वालों ने और जुपिटर ने थोड़ी टेक्निकल गुफ्तगू की मैं दो से चार चीज़ें डेवलपमेंट के ऊपर आपको बताना चाहूँगा। पहला पॉइंट तो ये चीज़ है कि ये जितने भी चार पॉइंट यूपीटीएल ने गिनवाए हैं जिसमें मेन बुलेवार्ड सर्विस रोड नॉर्थ एवेन्यू साउथ एवेन्यू इसके अलावा मस्जिद साइट ऑफिस और दो से तीन पार्क हैं इनका हमने इनको जुलाई तक टारगेट दिया हुआ है कि ये आपने हमें कंप्लीट करके देने हैं इंशाल्लाह। ये सारी की सारी आपके फायदे के बातें हैं क्योंकि जितना भी मुझे 5 से 10 मिनट मिलेगा कोशिश होगी कि हर वो चीज जिसमें आपका आपके क्लाइंट का आपके इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है बेनिफिट्स है वो तमाम चीजें आप तक पहुंचे ताकि आप एंड तक पहुंचा सकें। सो पहली बात ये चीज है कि हमारा फर्स्ट फेज ऑफ डेवलपमेंट जिसमें ये चार पॉइंट है तो हम इंशाल्लाह अल्लाह पाक के करम से और आप सबकी दुआओं से एंड ऑफ जुलाई तक कंप्लीट करने के लिए कोशिश है नंबर वन। नंबर टू जहां मेन बुलेवार्ड्स की बात आई तो ये भी हमने अपनी जिम्मेदारी लगाई है कि इस वक्त अवेलेबल जितनी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं फिर इस्लामाबाद में उन सब में सबसे अच्छा बेहतरीन स्टैंडर्डेबल और वाइडेंट बुलेवार्ड हमारे प्रोजेक्ट का हो और उसमें जिस तरह आरडी करीम भाई ने बताया कि इस वक्त सबसे अच्छा बुलेवार्ड और वाइडेंट बुलेवार्ड दुलकर ग्रीन का है जो 220 फीट के ऊपर है तो 280 फीट के ऊपर आपका मेन बुलेवार्ड बनने जा रहा है। मैं सादा अल्फाज में समझा रहा हूँ टेक्निकल नहीं आपका मेन बुलेवार्ड है बुलेवार्ड के साथ आपका सॉरी सर्विस रोड है 100 फीट का उसके साथ आपके मेन कमर्शियल है 5 कनाल 10 कनाल उसके साथ फिर आपका 100 फीट का सर्विस रोड है और उस सर्विस रोड के बैक एंड के ऊपर हमने एक अर्बन फॉरेस्ट का कंसेप्ट लेके आए हैं। आप अगर गुलबर्ग को विजुलाइज करें तो बुलेवार्ड के साथ सर्विस रोड फिर कमर्शियल और बैक एंड के ऊपर सर्विस रोड और अर्बन ग्रीन फॉरेस्ट ना होने की वजह से रेजिडेंशियल जो है ना वो डिस्टर्ब होते हैं तो हमने मेन बुलेवार्ड के एंड के ऊपर जो हमारा सर्विस रोड है उसके ऊपर एक पूरी पट्टी अर्बन फॉरेस्ट की दी है ताकि जो अपार्टमेंट या हाईरेस्ट बन रहे हैं उनको भी एक ग्रीन और सीन एनवायरनमेंट मिले और जो रेजिडेंशियल एक्टिविटीज होंगी बिहाइंड द अर्बन फॉरेस्ट उनको भी ग्रीन और सीन एनवायरनमेंट मिले तो ये आपके प्रोजेक्ट में चल होने वाला है। और डेवलपमेंट को मैं यहाँ क्लोज करूंगा कि इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा तो 2022 और 2023 रूडन एनक्लेव का डेवलपमेंट का और डिलीवरेंस का साल होगा इंशाल्लाह। इसके अलावा सेकंड फेज के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा रावलपिंडी रिंग रोड की। ये एक ऐसा ख्वाब है या एक ऐसी फील है जिसके लिए पूरी मैनेजमेंट ने रूडन एनक्लेव ने और हमारे तमाम रियल्टर्स ने और इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हर मेंबर ने दिल की अदा गहराइयों से दुआ की है कि अल्लाह पाक इसको जल्द इसकी जो है वो तमाम फिजिबिलिटी ऑन बोर्ड करे और इसका इफ्तिताह और जल्द ये पाया तक भी तक पहुँचाए। आप सोचिए कि आज हमारे लिए आप सबके लिए और इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े तमाम लोगों के लिए कितना एक सुनहरी और कामयाब और खुशहाल दिन है कि आज जब हम खड़े हैं तो अल्लाह पाक के करम से फजल से रिंग रोड के ऊपर काम स्टार्ट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। रिंग रोड इस प्रोजेक्ट के अंदर जहां आप प्लानिंग को मुनसिपा की प्लानिंग की सूरत में यूपीडीएल की डेवलपमेंट की सूरत में डैम की खूबसूरती की सूरत में एक्सेसिबिलिटीज को डिफाइंड करते हैं बट ये तमाम तरह चीज़ें कंपेयरली बाकी प्रोजेक्ट्स में भी होती हैं जिनको हम कम्पीट करते हैं। अच्छा कंपटीशन होता है हम कर रहे हैं बाकी हमारे साथ कर रहे हैं और यही कंपटीशन सोसाइटीज फॉर इंडस्ट्री को ग्रो करता है बट जो तमाम तरह प्रोजेक्ट्स हैं आपके प्रोजेक्ट को मुमताज करता है या अलग करता है वो ये रावलपिंडी रिंग रोड है। रावलपिंडी रिंग रोड का जो एज है ये आपके प्रोजेक्ट के अलावा किसी और प्रोजेक्ट के पास नहीं है और इसकी सूरत में जो वैल्यू एडिशन आपके प्रोजेक्ट को मिलने वाली है तो
उसके लिए सिर्फ मैं इतना ही कहूंगा कि आप में से कोई भी शख्स लाहौर रिंग रोड या पिशावर रिंग रोड को विजिट करे और आज से 4 से 5 साल पहले वहाँ अवेलेबल एक्स लेफ्ट और राइट ओवर सोसाइटी को विजिट करे और उनके रेट्स को विजिट करे और उसके बाद रिंग रोड के बनने के बाद उनकी वैल्यूएशन को देखे तो खुद पता चलेगा कि ये जो अगले 2 साल ये 24 माह में जो रिंग रोड बनने जा रहा है इसके हर दिन हर हफ्ते और हर ईंट के साथ आपका प्रोजेक्ट जिस तरह वैल्यूएशन करेगा इंशाल्लाह उसकी मिसाल मिलेगी। और रिंग रोड के साथ साथ मैं आप चंद एक अपने प्रोजेक्ट की और ऐसी गुड न्यूज खुशखबरियाँ और कुछ अपडेट्स आपको देना चाहूँगा जो शुद्ध आपके लिए नहीं हूँ। सबसे पहली बात जिस तरीके से हम कुछ अर्सा पहले सुनते थे कि रिंग रोड आ रहा है तो एक रूरल इंजीनियर ग्रेजुएशन करेगा तो क्या सुनने में आ रहा है कि साथ हमारे डीएचए आ रहा है कुछ सुन रहे हैं इस टॉपिक पे इस लफ्ज के ऊपर? तो डीएचए आ नहीं रहा, डीएचए आ चुका है रिंग रोड की तरह एक बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन आपके प्रोजेक्ट को मिलने वाला है दोबारा। किसकी सूरत में? आपके हमसाये की सूरत में। कहाँ पे आ रहा है? एक अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा खसाला डैम है इसके बैक एंड के ऊपर आपको सबको पता होगा AWT की काफी लैंड अवेलेबल है वहाँ पे। अगर आप खसाला गांव से पहले एक रोड जा रहा है उससे जाइंट टू वर्ड चक्री रोड जो अधर्म की तरफ निकलता है आप सबने विजिट करना है तो वहाँ पे आप अभी DHA के बोर्ड देखेंगे AWT के साथ। तो ये अल्लाह का के करम है कि जिस तरह रिंग रोड आते आते आ गया सो DHA भी बिल्कुल आपके राइट साइड के ऊपर आपकी दीवार के साथ आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। एक पहली चीज। दूसरी चीज चक्री रोड। मेरे से पहले न्यूज उस्मान ने ब्रेक कर दी। अल्टीमेटली माशाल्लाह मार्केट के अंदर इन लोगों की ग्रिप होती है तो हर अच्छी और बुरी खबर के ऊपर इन लोगों की नजर होती है। चक्री रोड के ऊपर आपके पास इस वक्त 200 फीट फ्रंट के साथ हमने इंटरेस्ट को ओपन कर लिया है और अप्रोक्सीमेटली अबाउट देन 1.5 किलोमीटर हमने अर्थवर्क भी कर लिया है। अभी तक विजिट किसी को नहीं कराया। कहाँ पे है? बिल्कुल कैपिटल स्मार्ट सिटी के फ्रंट के ऊपर 200 फीट फ्रंट के साथ आपकी वहां पे हमने इंटरेस्ट को स्टार्ट कर दिया। तो अभी रोड एंड क्लेव के पास अडाला की 2 इंटरेस्ट नहीं बल्कि चक्री रोड की भी एक मेन इंटरेस्ट अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरी चीज, हमने अपने प्रोजेक्ट में चार दीवारी का काम स्टार्ट किया है, बाउंड्री वॉल का स्टार्ट किया है। सो फर्स्ट टारगेट हमने ये रख रहे हैं कि पहले फेज के ऊपर हम 17 किलोमीटर की बाउंड्री वॉल अपने प्रोजेक्ट के स्टोरिंग पे लगवाएंगे और इस बाउंड्री वॉल के ऊपर चक्री की तरफ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर और एग्जेक्टिव की तरफ से भी तकरीबन 1 किलोमीटर की चार दीवारी लग चुकी है। तो इंशाल्लाह क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और जब हम कहते हैं कि 30,000 के नाल के ऊपर हमने इसको लेके जाना है तो उसके ऊपर साथ साथ हम बाउंड्री वॉल भी करना स्टार्ट कर रहे हैं। ये बाउंड्री वॉल से ना एक बहुत बड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अक्सर खास रियल स्टेट के अंदर एक कंसेप्ट होता है या माइंड में सोच आती है कि जमीन ज्यादा है या जमीन कम है। तो जब चार दीवारी भी लगी होगी, रास्ते भी आपके अपने होंगे, आपके पास प्लानिंग भी हो चुकी होगी, आपकी डेवलपमेंट भी हो रही होंगी, तो कम से कम ये शकोशुबात हम सब के दिमागों से भी इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे। और फोर्थ वन चीज, जब मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पूरे प्रोजेक्ट का इंशाल्लाह जो साइज है वो 30,000 किनाल के ऊपर होगा और 30,000 किनाल का सर्वे हो चुका है, उसमें फर्स्ट फेज के ऊपर 10,000 किनाल के ऊपर हमने अपनी प्लानिंग कम्प्लीट कर ली है। तो ये आप माइंड में रखें कि हमने तमाम प्रोजेक्ट बचा के रखा हुआ था कि जब रिंग रोड का इफ्तिताह होगा तो रिंग रोड के बनने के साथ साथ बाकी तमाम सारे प्रोजेक्ट सेल भी करेंगे और इसको मार्केट में प्रेजेंट भी करेंगे। तो अगर मैं आज के टाइम के ऊपर आपको बताऊं तो इस वक्त तक आपके प्रोजेक्ट का सिर्फ 25% अवेलेबल एरिया मार्केट में हमने रजिस्ट्रेशन के लिए या बुकिंग के लिए दिया है। रेस्ट 75% तमाम एरिया आपके लिए और हमारे लिए पड़ा है। तो इंशाल्लाह अब रिंग रोड के साथ और बाकी डेवलपमेंट के साथ और तमाम एक्टिविटीज के साथ हम मार्केट में फ्लोट करेंगे फॉर सेलिंग के लिए। बट एक चीज है कि रिंग रोड के बाद और डेवलपमेंट के साथ क्या आप और हम ये समझते हैं कि हम वो रेट देंगे जो आपको पहले दिए हैं? कभी भी नहीं। तो अल्टीमेटली जब आपके साथ प्रोडक्ट्स या वैल्यू एडिशन ऐसे रिंग रोड जैसे प्रोजेक्ट या डेवलपमेंट जैसे जो बाकी चीजें आती हैं तो अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू एडिशन और रेट्स भी बढ़ते हैं। तो ये ईद के बाद हम कुछ जो भी नई प्रोडक्ट इंशाल्लाह मार्केट में अपलोड करेंगे तो उनके रेट्स के सुन के या देख के आपको अंदाजा होगा कि यार जो रियल्टर्स या रोड एंड क्लेम वाले कहते थे कि बिफोर रिंग रोड ओपनिंग आप परचेजिंग कर लें या सेल क्या कहते हैं बुकिंग करवा लें तो वो हमारे लिए ठीक था। जो भी अब अवेलेबल प्रोडक्ट हैं हमारी आने वाली हर नई प्रोडक्ट कम अज कम इससे 30% या 35% नए रेट्स वैल्यूएशन के साथ होगी फर्स्ट फेज के ऊपर।
और साल डेढ़ साल के अंदर 200-300% रेट प्लस हम करेंगे। बाकी फोर्थ वन के आप और हम सब ये सोच रहे होंगे कि इस वक्त अगर उड़न में एक नॉर्मली क्लाइंट को बुकिंग करवानी हो तो उसके लिए क्या है, ये डायरेक्टर्स को डील देनी हो तो क्या हो। इस वक्त करंटली तौर पे हमारी जो मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में हमारे रेंटर्स के पास, क्योंकि ये उड़न इंटेलिजेंस यूनिकनेस है कि हम खुद हेड ऑफिस से किसी भी क्लाइंट को इंटरटेन नहीं करते, से नहीं करते। हमारे जितने भी एथराइज डीलर्स हैं हम उनको इन्वेंट्री देते हैं, डील देते हैं और वो अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारे सपोर्ट के साथ मार्केट में उसकी बुकिंग करते हैं। तो जो अवेलेबल प्रोडक्ट इस वक्त मार्केट में है उसमें सबसे मेन प्रोडक्ट है आपकी दो किनाल की जो हमने जिम्मेदारी भी बेसिक थी वो सरदार भाई और उसकी टीम को दी थी और उसके तीन रेट हमने मार्केट में दिए थे। पहला रेट था आपका 70 लाख, दूसरा 85 और तीसरा करोड़ वाला। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जब मैं ये खड़ा हुआ और पिछले चंद हफ्तों के अंदर आपका 70 लाख वाला भी होम के ऊपर है और आपका 85 वाला भी लेवल के ऊपर है। तो आपके पास 85 और 100 वाले की बुकिंग की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। तो जो डीलर जो क्लाइंट्स अपनी बुकिंग करवाना चाहते हैं तो हमारे तमाम अच्छा डीलर इंडियन के पास और स्पेशल सलामी के पास इन्वेंट्री अवेलेबल है, आप उनसे तो रब्ता करें। दो किनाल के बाद दूसरी प्रोडक्ट हमारी जो मार्केट में अवेलेबल है वो एग्जैक्टिव गुलाब की एक किनाल का अपनी लॉन्च मार्किंग का लम्जा इस वक्त फोन के ऊपर है और न्यू रेट की हमने तमाम तर जिम्मेदारी काजी इन्वेस्टमेंट ग्रुप को और उसकी टीम को दी हुई है और आप तमाम तर डीलर्स को दी हुई है। सो उसके अनुपे भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। आप तमाम डीलर्स क्लाइंट या इन्वेस्टर जो रिंग रोड की सूरत में और डेवलपमेंट की सूरत में प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं क्रेडिट तौर पे, तो कनाल के ऊपर वो काजी इन्वेस्टमेंट या हमारे तमाम अथराइज डीलर से रब्ता करके उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है हमारी 10 मरला एग्जीक्यूटिव ब्लॉक। ये वो प्रोडक्ट बता रहा हूँ जो अवेलेबल है, मतलब हमने रिंग रोड की तारीफ कर दी, डेवलपमेंट का बता दिया, चक्री रोड के इंटरेस्ट का बता दिया, डीएचए का बता दिया, आपको बहुत सी और चीज़ों के बारे में बता दिया।